हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ड्रिल मशीन का चौक यहाँ पे बहुत जोर से हिल रहा है। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कोई ड्रिल मशीन है, सामने वाला हिलता है बहुत जोर से, वाइब्रेशन करता है, अगर प्ले होता है, तो इसको कैसे हम लोग रिपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मशीन को चला रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिक्कत है इसमें, आगे वाला जो हिस्सा है वो हिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, हर स्पेयर पार्ट्स मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपका मशीन रिपेयर करूँ, तो ज़रूर मुझे पार्सल कर दीजिए, इंडिया पोस्ट में पार्सल कर दीजिए। सस्ता ये जो मशीन है 70-80 रुपये के अंदर मेरे पास आ जाएगा, और फ्री में यहाँ पे आपको फ्री सर्विसिंग करके आपको लेना है, और यहाँ पे जाने का खर्चा मेरा है, और इसमें जो भी स्पेयर लगेगा वो आपका है। और यहाँ पे देखिए मैं मशीन खोल रहा हूँ, प्रॉब्लम में इसमें और कोई नहीं है, बस इसमें चौक खिलता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो इसका जो स्पिंडल के सेंटर में जो यहाँ पर बुशिंग लगता है ये ख़राब है। अगर आइए भी अगर आपका मशीन में ये सही है या फिर और कोई दिक्कत है आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे देखिए बेरिंग ब्रैकेट है, बेरिंग ब्रैकेट में भी निडल बेरिंग बिट है, स्पिंडल का पोजीशन वो चेक कर लीजिए। लेकिन इसमें ये है कि उसके अंदर जो स्पिंडल के सेंटर में जो बूसिंग रहता है वो ख़राब है। तो चले मशीन में वो बूसिंग को खोलने के लिए हमको चौक को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चौक को खोल लेता हूँ, पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। पहले मैं चौक को खोल लेता हूँ, तो आपको भाइस में पकड़ना है। भाइस में पकड़ने के बाद आपको स्लाई रेंज में या फिर कोई पाइप रेंज पकड़ सक लेके आप इसको ऐसे आप घुमा दीजिए, या फिर मैं उसको खोलने का भी प्रोसेस में आपको बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ, वो चेक कर लीजिए। ड्रिल मशीन का चौक कैसे खोला जाता है वो यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, मेरा वीडियो आ जाएगा, आपको देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़ोर से हिल रहा है जैसे कि मैं आपको दिखाया, और ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा अगर मैं नया वाला लगा रहा हूँ और पुराना वाला लगाने में वो कितना प्ले रहता है पुराना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं नया वाला यहाँ पर लगा रहा हूँ, ओके यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी प्ले नहीं है, और मैं उसको खोल के ये देखिए मैं खोल के पुराना लगा रहा हूँ, ये देखिए कितना प्ले है। तो ये इसके वजह से ये आपका बीट जो रहता है, अगर आप बड़ा थोड़ा बड़ा बीट लगा दोगे या हाथ में भी इधर उधर करोगे तो ये हिलता है चौक। तो ये हम क्या करेंगे, इसका जो बूशिंग को चेंज करने के बाद ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगा, जो प्रॉब्लम था ये उसका सोल्यूशन ये आपको मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, अगर ये बुशिंग सही है उसके नीचे वाला आपको बेरिंग ब्रैकेट चेक करना है। बेरिंग ब्रैकेट में एक नीडल बेरिंग रहता है, रोलर नीडल बेरिंग, वो ख़राब हो सकता है या फिर उसका स्पिंडल ख़राब हो सकता है, लेकिन इसमें बुशिंग ख़राब है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल सही सलामत ये चेंज हो चुका है, तो ये बुशिंग भी चाहिए तो मेरे वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, और पार्सल कर हो जाएगा आपके इंडिया में हर गली में। छोटा सा भी छोटा ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। पेमेंट करोगे 100% पार्सल हो जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं है, आसानी से आपके पास पार्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, इसको मैं चेंज कर लिया वो बूस्ट, तो अभी ये सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे, क्योंकि ग्रीस थोड़ा सूख गया था, तो हम दोबारा हम इसमें ग्रीस लगाएंगे ताकि ये फिर 6-7 महीना या फिर 1-2 साल चले आसानी से। तो यहाँ पे हम उसका कवर लगा लेंगे, कवर लगा के उसके स्क्रू टाइट कर लेंगे। दोस्तों बहुत लोगों ने वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और फ्री में सब्सक्राइब होता है, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा मेंबर जरूर बन जाइए। मैं जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कोई जानकारी आपको मिला तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं बूस्ट जो रहता है वो कभी कभी इतना वो स्पिंडल घूमता है, तो इसके वजह से ये खा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम था ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, कोई भी ड्रिल मशीन में आता है। तो अब ये 70-80 रुपये 100 रुपये के अंदर आपको ये बूसिंग आ जाएगा। तो चेक, ओके, और यहाँ पर देखिए जो पहले बहुत ज़ोर से हिला था और यहाँ पर हिलता नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए जो साउंड आ रहा है तो मेरा माइक का प्रॉब्लम है, तो ये साउंड मतलब वो एयर आके मेरा माइक में लगे, तो इसलिए अच्छा साउंड हो रहा है, लेकिन मशीन में कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट साउंड हो रहा है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है तो ज़रूर मेरे वेबसाइट चेक कीजिए। थैंक यू।